कल जब ये मुद्दा सबसे पहले उठा तो सवाल ये उठाए गए कि 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर ये सब कैसे हो सकता है, शाम को 7 बजे के बाद ये सौदा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में ही पता लग गया कि 1,29,00,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी गई है। थोड़ी देर बाद ही चंपत राय जी का बयान आ गया जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ ये 2 करोड़ रुपए की जो 7:05 पे डील हुई थी उसके बाद 7:10 पे हमने ये खरीद लिया 18 करोड़ रुपए का। उन्होंने सौदे की पुष्टि कर दी कि सौदा हुआ है, ठीक है, तो वो बंद हो गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2012 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसके अनुपालन में जब 18 मार्च को यहां पे सेल डीड हुई तब वो 2 करोड़ रुपए का रेट लग गया। देखिए मैं एक लॉयर भी हूं, एक वकील भी हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, एनी अग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर किसी अग्रीमेंट में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता तो वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध है।